मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय भी पढ़े थे, आज हम लोग अध्याय 4 यानी आंकड़ों का प्रबंधन क्या, तो आज हम पढ़ेंगे परिसर माध्यम और माध्यक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक अवसूचना है, तो सूचना यह है कि आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट आज से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो भी पहले पढ़ाया गया है पिछले वीडियो के माध्यम से उसको आप लोग रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, और टेस्ट का टाइमिंग रखा गया है 10 से 12 बजे के बीच प्रतिदिन। ठीक है, तो इस टाइमिंग के बीच आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से अपने घर पे उपस्थित रहें और क्वेश्चन अपना तैयार रखें। ठीक है, कभी भी आप लोग से पास फोन किया जा सकता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे आज परिसर माध्य और माध्यक के बारे में। लिखा गया परिसर यानी परिसर क्या होता है, उसको जानेंगे परिसर किसे कहते हैं। लिखा गया कि प्रेक्षकों के उच्चतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं यानी रेंज कहते हैं। प्रेक्षकों के उच्चतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को परिसर यानी रेंज कहते हैं। ठीक है, और परिसर का क्या होता है जी, प्रेक्षकों का उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, क्या होता है परिसर होता है प्रेक्षकों का उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान यानी उच्च मान माइनस निम्न मान। जैसे लिखा गया परीक्षण के लिखा गया जैसे परीक्षण में 9 का मान, 12 का मान, 3 का मान, 8 का मान, 17 का मान, 25 का मान, 27 सभी के ऐसे परीक्षण दिया गया है। अब इसके माध्यम से हम निकालना है परिसर। ठीक है, हम लिखेंगे परिसर बराबर क्या लिखेंगे जी, लिखा गया प्रबंध का लिखेंगे परिसर बराबर क्या लिखा है प्रबंध में उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा पद कौन सा है जी, 27 है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है जी, क्या है 3 है। अब हमें निकालेंगे इसका परिसर, क्या लिखेंगे उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान यानी कितना से उत्तम मान है जी 27 है और न्यूनतम मान कितना है जी 3 है, कितना क्या इसका अंतर 24, जो आपका सही आंसर होगा 24 क्या होगा इसका परिसर होगा। ठीक है, जो आपका प्रश्न दिया गया है प्रश्न से क्या होगा परिसर जी 24 होगा 24। ठीक है, यह तरह रहा आपका परिसर के बारे में। अब बढ़ते हैं माध्यक के बारे में जानेंगे हम लोग, माध्यक क्या है, माध्यक किसे कहते हैं। तो माध्य जैसे दी गई आंकड़ों को जोड़ने पर दी गई आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर क्या करेंगे जी, तो दी गई आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम माध्य कहते हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं दी गई आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो
जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं, उसे माध्य कहते हैं। क्लियर है? लिखा गया है कि दी गई आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे पहले माध्य बराबर क्या होता है, लिखेंगे माध्य बराबर होता क्या है, क्या होता माध्य बराबर, यानी प्रेक्षणों का यानी आंकड़ों का योग। सुन सकते हैं आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, बट्टा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, सुन सकते हैं क्या जी, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, ये क्या है माध्य बराबर होता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, इधर इधर एग्जाम्पल जैसे लिख रहा है, इधर जैसे मान लीजिए आपको आंकड़ा दी गई है 2, 4, 6, 8, 9, 12। ठीक है, जब आंकड़ा दी गई है और इस आंकड़े के बारे में सबको माध्य ज्ञात करना है, क्या लिखा माध्य बराबर लिखेंगे, क्या होता है माध्य बराबर, यानी आंकड़ों का योग, यानी क्या कहते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या क्या लिखेंगे, 2+, 4+, 6+, 8+, 9+, 12। ठीक है, अब काउंट कीजिए इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 की संख्या, जिसके 6 संख्या 6 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए और इसको जोड़ते हैं, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 9, 29, 12 41, 47, 48, 6 और भाग जाएगा जी, तो 36, 5, 50, 50, 6, 48, 2, 6, 6.83। ठीक है जी, 6.83। ठीक है, जो इसका इक्वेट मान है, इस प्रकार हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो आंकड़ा दी गई है क्या करेंगे उसको आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा माध्य। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं माध्य की तरफ, माध्य क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, माध्य क्या है स्वीकार है हम, यहाँ ध्यान देंगे कि माध्यक में दो अर्थ है। ठीक है, माध्यक दो अर्थ है, एक सम संख्या के लिए यूज होता है और एक प्रयोग होता है विषम संख्या के लिए। तो यहाँ ध्यान देना आपको, ध्यान देना कि जब दिए गए आंकड़े, जब दिए गए आंकड़े क्या हो, जब दिए गए आंकड़ों की संख्या एक यानी विषम संख्या के रूप में हो तो उसको माध्य निकालने के लिए 10+1/2 किया जाता है, यदि जब सम संख्या में हो क्या करते हैं उसको 10/2 × 10+1/2 करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख रहा है तो ध्यान दीजिए,
लिखना है कि जब पुरुषों की संख्या ठीक है, एक दूसरा है कि पहला था, पहला पढ़ लिया परिश्रम, दूसरा पढ़ लिया माध्य, तीसरा है, तीसरा क्या आपका क्या कहा है माध्य, माध्य ठीक है। इसमें दो होता है सिचुएशन ठीक है, एक सिचुएशन होता है सम संख्या के लिए और एक होता है विषम संख्या के लिए। क्या लिखेंगे जब दिए गए प्रेक्षण, जब दिए गए प्रेक्षण, जब दिए गए प्रेक्षणों की संख्या लिखेंगे, जब दिए गए प्रेक्षणों की संख्या, जब दिए गए प्रेक्षणों की संख्या संख्या ठीक है, संख्या को हम एच से नोट करेंगे, संख्या एन, जब दिए गए प्रेक्षणों की संख्या एन विषम हो, एन विषम हो विषम हो तो क्या होता है माध्य बराबर जी, एन विषम हो तो क्या होता है माध्य बराबर, यह तो होता है एन प्लस वन बाई टू का प्रेक्षण। क्या होता है कि एन प्लस वन बाई टू का प्रेक्षण कब होगा, जब एन क्या होगा, जब दिए गए प्रश्न संख्या क्या होगी विषम होगा, तब ये अब लागू होगा एन प्लस वन बाई टू का प्रेक्षण। जैसे हम देखते हैं जैसे जैसे मान लीजिए कि प्रेक्षण को दिया गया प्रेक्षण दो कमा तीन कमा पांच कमा नौ कमा बारह कमा पंद्रह ठीक है, इसको कहते हैं क्या सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी संख्या जो है क्या सम संख्या कितने हैं, विषम संख्या कितने हैं, क्या इनकी संख्या है एन देखते हैं, एन इनका क्या हो गया जी एक दो तीन चार पांच छह, छह क्या है विषम है, एक संख्या और लिख देंगे यहाँ पे सत्रह क्या हो गया विषम संख्या हो गया, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात, सात क्या था विषम संख्या। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी आरोही क्रम में क्या क्या आरोही क्रम का अर्थ, आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम, यानी क्या लिखेंगे दो कमा तीन कमा पांच कमा नौ ठीक है, ये और लिखिए आपका आरोही क्रम में लिखा ही गया है नौ कमा बारह कमा पंद्रह कमा सत्रह क्लियर है, ये आपको आरोही क्रम में लगे संख्या और इसका निकालने के लिए कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच छह सात ठीक है। अब यहां लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होगा जी, यानी सात कितनी संख्या जी एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी सात प्लस वन क्या है एन प्लस वन बाई टू, इसको यूज करें यहाँ पे एन प्लस वन बाई टू है, एन कितना है जी सात है प्लस वन बाई टू कितना सात है एक आठ बटा दो कितना पांच क्या आ गया इनके मान जी आ गया आपका चार। अब देखेंगे चार चार चौथा को कौन आएगा जी एक दो तीन चार, चार क्या है जी चार क्या है नौ, यानी ठीक है यदि आपका तीन संख्या है एक दो तीन ठीक है, यदि आपका तीन संख्या है और यदि आपका तीन संख्या है ठीक है, माध्य का अर्थ क्या होता है, माध्य का अर्थ होता है कि वो ऐसी संख्या जो दी गई आंकड़ों को
दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दें। इसमें यहाँ पर नौ क्या है, इसका माध्यक है, ठीक है। और सिद्धांत कितने संख्या है, सिद्धांत अभी एक दो तीन संख्या है और बाद कितना है एक दो तीन है, ठीक है। माध्यक का दैर्ध्य होता है जो माध्यक की संख्या दोनों तरफ यानी बाएं और दाएं तरफ बराबर दो भागों में बांटने का काम करता है। चार क्या आ गया, ठीक है, चार आ गया। और देखेंगे चौथा कौन है, एक दो तीन, ठीक है, नौ अगर प्रांत है, क्या वैसे नौ क्या होगा जी, माध्यक होगा, क्या वैसे माध्यक नौ होगा, कैसे नौ होगा, यहाँ पर आया ना चार, देखेंगे चौथा कौन है, एक दो तीन चार, चौथा नौ है, नौ माध्यक होगा, क्लियर है। यानी अब क्या था, अब यह पर यह भी पूछा गया था कि जब दिए गए प्रश्न की संख्या क्या है, विषम, ठीक है, जिससे कि विषम के लिए भी है, इसके बाद अभी आएगा आपका सम संख्या के लिए अलग अलग उसके। चलिए इसको बता रहे हैं, बना है सम संख्या की तरफ, उसका भी नियम सदा होता है, ठीक है। और लिखेंगे आप सम संख्या के लिए, ठीक है, सिर्फ इसको बता रहे हैं, लिखा जाएगा कि जब दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या है, दिया थे एन क्या है, सम संख्या है, एन क्या होगा, सम संख्या, एन सम संख्या लिखा गया है, तो जब दिए गए प्रश्नों की संख्या एन सम हो तो हमारे बार क्या होगी, इसका होता है एन बाई टू इन टू एन बाई टू प्लस वन वन पद पद या प्रेक्षण, ठीक है, क्या होता है एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन वन प्रेक्षण या पद, किसके लिए लागू होता है जी, ये लागू होता है विषम संख्या के, ठीक है, ठीक है, लागू होता है विषम संख्या के लिए एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस मानवा परीक्षण या पद, ठीक है, इसको पहचान सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं, जैसे में जैसे मैं लिखते हैं परीक्षण में कुछ लिखते हैं परीक्षण, ध्यान दीजिए, सत्ताईस कमा बारह कमा उन्तीस कमा पंद्रह कमा तेरह कमा आठ, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, कितनी है जी, छह संख्या है, क्या आएगी सम संख्या, एक दो तीन चार पांच छह, क्या है n बराबर छह होगा, यानी सब क्या है n बराबर कितना छ, एक दो तीन चार पांच छह, कितना n बराबर कमा लग गया छ। अब हम यहां लिखेंगे माध्यक, क्या समाधि लिखेंगे आप एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन वा प्रेक्षण या पद, ठीक है, फॉर्मूला है, और यहाँ ध्यान दीजिए कितना आया जी, कितना पहले है छ आया जी, क्लियर है, अगर लिखेंगे छ बटा दो, कितना आया जी, कहेंगे समय छ बटा दो इंटू एन बाई टू यानी छ बाई दो प्लस वन, ठीक है, समझ रहे हैं इस तरह से, एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन कटेगा दो से दो तिहाई छ, कटेगा दो से दो तिहाई छ, कितना का तीन, कितना का तीन है सॉरी तीन होगा तीन, तीन है चार, तीन और चार, क्या ही तीन और चार, ठीक है, तीन कमा और नहीं तीन कमा चार होगा, तीन कमा चार,
और इसको देखना आपकी क्या है, क्या आपका यह बनता है माध्यम। आप देखेंगे यहाँ से जो आंकड़ा दी गई है और जो दी गई परीक्षण, इसमें तीसरा अंक कौन है, कौन है तीसरा अंक, एक सॉरी यहाँ गलती हुआ है, ठीक है पहले से चलाएंगे आरोही क्रम में। इसको क्या करेंगे सबसे पहले 12, 13, 15, 8 ठीक है, 8 है, 8, 12, 13, 15, 27, 29 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह संख्या हो गया ठीक है। आप लिखेंगे ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे एन बाई टू यानी एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस फ्रैक्शन ठीक है। अब समान भरेंगे कितना आगे, 6 बटा 2 फिर 6 n/2 प्लस 1 बटेगा 2 से गुतिया 6 कितना गया ये 3 तो 3 है 3 कमा 4 3 हो गया ठीक है, बस 3 है 4। अब देखेंगे कि बाएं तरफ से यानी अरोही तरफ से जाए से देखेंगे कि तीसरा अंक कौन है और चौथा अंक कौन है, तो तीसरा अंक क्या है जी 1, 2, 3 तीसरा अंक क्या आपका 13 लिखेंगे, तीसरा क्या आपका जी 13 और चौथा अंक क्या आपका 15 ठीक है, क्या जी 13 और 15 का चौथा तीसरा चौथा अंक कौन सा। अब इसे क्या करना है, अब इन दोनों को योग करके 2 से भाग देना है तो बन जाएगा माध्यक, क्या जी तीसरा अंक क्या आपका 13 क्या लिखेंगे 13 और यानी कितने माध्यक बराबर तीसरा क्या है जी 13 है यानी 13 प्लस चौथा क्या है जी 15 है 15 कितना बचता है 15 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा बटा 2 है बटेगा 2 से 2 एक 2 2 4 कितना गया जी 14 क्या है 14 का सही माध्यक है, क्या है 14 का माध्यक है यानी कहने का क्या होगा 14 माध्यक कैसे है देखिए आप, ये दो अंक है ठीक है इसको अलग हटा दिए तो सामने दाएं तरफ ये दो अंक है बड़ा बाएं तरफ क्या बदला जी यहाँ पर आपको 13 और 15 तो 13 15 का क्या होता है जो का माध्यक मिला है ये क्या है कि 2 का यानी जब आंकड़ा दिया गया है इसको 2 का भागों में बांटने का काम करता है माध्यक ठीक है। जो भी आपको यहाँ माध्यक मिलता है वो इस आंकड़ा को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये 2 अंक ठीक है 27 का 29 इसको आप अलग कर देते हैं ठीक है, तो समझिए और 2 अंक है 8 का 12 इसको आप अलग कर देते हैं, क्लियर है क्या बचा आपका 13 और 15 जो संख्या को प्राप्त हुआ है 14 ये क्या है ये 13 और 15 का बीच का ही संख्या है ठीक है, 14 क्या है जी जो 13 और 15 का बीच की संख्या है जो इनको 2 भागों में बांटने का काम करती है ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर आता है 14 मान लीजिए यहाँ पर आ गया 14 अब इधर कितना हो गया इधर 1, 2, 3 हो गया दाएं तरफ क्या हो गया 1, 2, 3 हो गया 3 बाएं तरफ ये है। आप समझिए माध्यम उसको कहते हैं जो दी गई आंकड़ा को 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर यानी बांटे, क्लियर है। तो मान लिया तो आपको माध्यम मिला है 14 तो 14 जो है वो दी गई आंकड़ा को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रहा है,
जिससे आप लोग इसको जान कर सकते हैं कैसे विभाग कर रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो संख्या दी गई 8, 12, 13 है, ठीक है, क्लियर है इसको भी। तीसरा पद है, क्लियर है, तीसरा पद है, क्लियर है। यानी क्या है, 1, 2, 3 पद है बाएं तरफ, 1, 2, 3 पद है दाएं तरफ। अब क्या है जी, 13 और 15, ठीक है, यही क्या है संख्या है 13 और 15। तो इन दोनों के बीच का जो संख्या आएगा, जो अंक आएगा, वो क्या होगा, उसका माध्यक होगा, जो इसको दो भागों में बांटने का काम करेगा, दाया पक्ष और ये दाया पक्ष, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं माध्यक। चलिए समझ चुके हैं माध्यक किसे कहते हैं, माध्यक क्या है, ठीक है, यानी परिसर माध्य और माध्यम समझ लीजिए। माध्यम कितना होता है, तो माध्यम होता है जो सूक्ष्म होता है, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए, दोनों आप लोग हमने बारी बारी से बता दिए एग्जाम्पल के तौर भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन और प्रश्नावली 2.1 के तहत जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब क्वेश्चन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स के साथ उसको तैयार कीजिए, ठीक है। उसको अपने कॉपी के नोट्स बनाइए और तैयार कीजिए, क्योंकि आप लोग का टेस्ट ऐसे स्टार्ट हो गया है, अभी भी आपके पास कॉल जा सकता है, ठीक है।